हम सब आनंद और उत्साह के साथ प्रार्थना करें और बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू मार्ग सत्य और जीवन है, तू अपने शक्ति से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और सत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले चल, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने अपने क्रूस के मृत्यु द्वारा शाप के चिन्हों को महिमा का चिन्ह बनाया, यह कृपा दे कि हम अपने शरीर की बुरी वासनाओं को क्रूस पर चढ़ाए और आत्मसमर्पण में आनंद जीवन पाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू भला गडरिया है, ऐसी कृपा दे कि हमारे अधिकारी लोग अपने अधीन के लोगों को तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँचाए, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तू गरीब और नम्र बना, हमारा नम्र निवेदन है कि गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को और सत्य के प्रति दुख भोगने वाले लोगों को तू अपने महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का स्मरण दिलाकर उन्हें अपने जिंदगी की दौड़ पूरी करने में और विश्वास को सुरक्षित रखने में मदद कर, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तो परमेश्वर के सामने हमारे लिए सनातन समर्पण है, ऐसी कृपा दे कि हम तेरे पवित्र बलिदान में भक्तिभाव से सहभागी होवे और पुनरुत्थित जीवन के दिव्य रहस्यों को हम योग्यता पूर्वक स्वीकार करें, हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु मसीह, मृत्यु पर विजय पाकर कलीसिया में हमेशा विराजमान है और उसे अपने नवजीवन से संपन्न कर, हे कृपा दे कि हम तेरे पुनरुद्धान और बलिद जीवन के सहभागी होवें, तेरी शांति और समाधान हमारे समूह परिवार और सारी मानव जाति में निरंतर निवास करें सदा सर्वदा। आमीन। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु मसीह, तू मृतकों में से सबसे पहले पुनरुद्धित होकर हमारे लिए पहलौठा बन गया, तेरा पुनरुद्धान हमारे लिए जीवन और महत्व प्रदान करता है। तेरी प्रियतम कलीसिया अलंकृत वधु के समान और संतों के साथ उल्लसित माता के समान तेरे पुनरुद्धान में आनंद मनाती है, हमें इस योग्य बना दे कि हम तेरे मरण और पुनरुद्धान में आनंद मनाए और उनकी स्मृति के दिव्य रहस्यों में भक्तिभाव से सहभागी बने। सबके प्रवेश हमारे पापों और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में दो डालने की दया करें। हे प्रभु, तू अपने उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। प्रभु परमेश्वर मेरी शरण लगा, प्रभु परमेश्वर पावन।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। इस पवित्र वेदे परिश्मादा कुवारी मरियम का आदर में संदियो सबका स्मरण हो। अनादि से अनंत काल तक आमीन। पुत्र के प्रेरितो इकलौते के बंधुओ प्रार्थना कीजिए सृष्टि में शांति विराजे। सब लोग कहे आमीन आमीन। इस पवित्र वेदे पसंद तोमस के स्मृति हो, साथ साथ निजे भक्तों का और शहीदों का स्मरण हो। शक्तिमान प्रभु हमारे साथ है, हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा सहायक है। छोटे बड़े सभी मृदग से आशा से सो रहे हैं कि तू अपने महिमामय पुनरुद्धान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। अपने हृदय उसके सामने खोले उपवास प्रार्थना तथा पश्चाताप से हम मसीह उसके पिता और पवित्र आत्मा को संतुष्ट करें। ये के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का एकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहला उठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व चला गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुमारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पौंदोस पिलातुस के समय दुख भोगा और वसले पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसिद्ध होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सावित्री कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों के क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुद्धान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका परमेश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्राद्य श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचर्य युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धार्मिक तथा विश्वास शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद। भाई और बहनों मेरे लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रज कृपा दानम के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी अपर अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्व हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। भाइयों और बहनों मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें।
पवित्र और पश्चातपे हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और इसे निवेदन करें। आप दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम सदा से इनके ओर ध्यान लगाए याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाए मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा मैत्रित्व का आराधना हम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है, सभी शिष्यों की वंदना प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्र स्वर्गवासी तथा करुणों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र के रूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से नृत्य स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। प्रभु तेरी महिमा से प्रभु
प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर है पूज्य पिता तेरी ओर आगे उठाए और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, नवीन विधान का मेरा रक्त है जो भक्तों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरा आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीन हीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारे बुद्धि को आलोकित किया है, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। मनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु, समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष, रोम के सम्पूज पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्च बिशप राफेल तडिल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष एलियास के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष प्रेम निरिगुलम के लिए, पूर्व धर्माध्यक्ष विजयानंद के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिकों, पवित्र पिताओं के लिए,
हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिदारे सब मृतकों के लिए तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य है यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरे शिक्षा अनुसार हमें शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम में और निन कृपा से शमादा कुवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी बुआ से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदास सुसमाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्यों धर्माध्यक्षों याजकों और ब्याजकों के तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत व जीवंदाय चिन्ह से अंकित हुए पवित्र व सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों के शुद्धता पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल विनम्र सब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग मृत्यु दफना पुनरुद्धान के महान गंभीर पवित्र जीवनदाय अवधि वर्षों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौरग्न भक्ति भाव से प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों के बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी पापों की क्षमा पुनरुद्धान की दृढ़ाशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र हुए कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत पवित्र जीवनदाय नाम को वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं आ तुझे धन्यवाद देते हैं अब सदा अव सर्वदा। आमीन। मैंने तेरी ओर आंखें उठाए तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है जिस तरह दासों की आंखें स्वामी पर टिकी रहती है और दासी की आंखें स्वामिनी पर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो तेरी उदार कृपा में महिमामय पवित्र जीवनदाय अवधिवरेश्यों के समय पहुंचा देती है यद्यपि हम अयोग्य हैं। यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सदा आराधना हो। जीवंत तथा जीवनदाय रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करते हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं उनको क्षमा प्राप्त होते हैं और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ जीवन दायक रोटी प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते वे सब मुझ में अपनी मुक्ति दाता ने यह
आत्मा का संसर्गम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा आमीन। हम सब सदा भक्ति से अपने मुक्तदाता के अमूल्य शरीर रक्त और ऐश्वर्य के समीप जाएं, पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटा और कला से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने आत्मा को क्रोध और भय से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम राशियों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह राशि हमारे शरीर के पुनर्धान का तथा आत्माओं के मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तू अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर जिससे तेरे राज में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सकें। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोषों का प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रख सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकार या उस प्रकार कहे हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरे कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट के साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नवजीवन दिया। तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया। तेरी करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी जीव अशक्त है। हमारे जीवन दादा प्रभु ईसा मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसके करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। समस्त लोगों आइए प्रभु के मरण और पुनरुत्थान के इन महान राशियों को प्रत्यक्ष पूर्वक ग्रहण करें।